हाँ जी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, विच इज कॉल्ड चैट जीपीटी। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज चैट जीपीटी, इट्स माय न्यू गर्लफ्रेंड। नो, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको हर सवाल का सही सही जवाब बताती है। सो आज की इस वीडियो में हम पूछेंगे व्हाट्स द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर स्किन एंड हेयर, एंड देखते हैं कि क्या वो सही जवाब बता पाती है या नहीं। क्या हम जैसे यूट्यूबर्स की छुट्टी होने वाली है? यू विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। इफ यू नीड हियर, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हाय, आई एम तेजस शिंदेर एंड आई मेक स्किन केयर एंड हेयर के वीडियोस। लेट्स रोल दिस वीडियो। आइए, तो हमने सबसे पहले से सवाल पूछा था कि विच सप्लीमेंट विल हेल्प मी टू गेट अ ग्लोइंग स्किन। तो इसका जवाब आया फटाफट से विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड कोलेजन, जो कि मैं हर बार आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये सारे के सारे विटामिन एंड इसी के साथ ये फैटी एसिड काम करता है। और उससे पहला जो जवाब है बहुत ही ज़्यादा सटीक दिया है और बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट दिया है। विटामिन सी विच इज़ कॉल्ड एन एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत अच्छी तरह से आपके फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है एंड आपको एक कॉलेजन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इवेंचुअली जब कॉलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको एक फाइन लाइंस प्रोडक्शन देखने को मिलता है और आपके फेस पर एक वो ब्राइटनेस आती है जिसकी चाव हमेशा से रखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट विटामिन ई, इट्स एन एंटी ऑक्सीडेंट जो आपके फ्री रेडिकल्स को मारता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है आपकी बॉडी को एंड इन रिटर्न आपकी बॉडी को मिलता है एक सफल स्मूथ स्किन। इफ आई टॉक अबाउट द ओमेगा 3, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपकी बॉडी को जरूरत होती है एंड बहुत सारे लोग नहीं देते हैं यार। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली आपको एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प्स इन योर हार्ट, विच हेल्प्स इन योर कोलेस्ट्रॉल, विच हेल्प्स इन योर मेंटेनिंग हेयर एंड स्किन का कंडीशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओमेगा 3। सो इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट, स्टार्ट कंज्यूमिंग इट राइट नाउ। इफ आई टॉक अबाउट द कोलेजन, कोलेजन दो तरह के आते हैं दोस्तों, कोलेजन पेप्टाइड एंड कोलेजन बिल्डर। इफ आई टॉक अबाउट द कोलेजन पेप्टाइड, इट्स माय पर्सनल फेवरेट। कोलेजन पेप्टाइड फटाफट से कोलेजन का ही रूप होता है जो आपको पीना होता है एंड देन आपके यू नो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks में आपको सही होते हुए नजर आएंगे। ऑन द फ्लिप साइड वी हैव कोलेजन बिल्डर, जो कि कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को फोर्स करते हैं और कोलेजन को बनाने में। और इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक तरफ आपको बना बना पनीर मिलता है और दूसरी तरफ आपको पनीर की सब्जी आपकी बॉडी को बनानी होती है, लेकिन इवेंचुअली बनता तो पनीर ही है आपकी बॉडी में जाके। अगला सवाल मैंने इसे पूछा, कौन सा वो बेस्ट सीरम है जिसके जरिए हम अपने एक्ने के स्कार्स को सही कर सकते हैं। तो इसका जवाब है विटामिन सी सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, नाइसिनमाइड सीरम, रेटिनॉल सीरम, सैलिसिलिक एसिड सीरम, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल कहा जाता है बिकॉज समटाइम्स इट कैन मिसलीड यू। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने नंबर ऑफ ऑप्शंस दे दिया और अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है आप सारे के सारे उठा के प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देंगे, विच इन रिजल्ट इट कैन कॉज इरिटेशन। मेरा मानना है कि अगर आपके एक्ने के स्कार्स है, विटामिन सी एंड कोजिक एसिड, ये दोनों ऐसे एसिड हैं जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। आप चाहे तो दिन में विटामिन सी लगा सकते हैं, रात में कोजिक एसिड लगा सकते हैं, या फिर आप रात में विटामिन सी और दिन में कोजिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस काम आता है, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल मैंने से पूछा, कैन यू शो मी सम इंडियन गुड ब्रांड्स ऑफ विटामिन सी, और इसका फटाफट से जवाब आया हिमालय, डाबर, बैद्यनाथ, जंडू, पतंजलि, हेल्थवेट, हर्बल केयर और इसी के साथ ही ऑर्गेनिक इंडिया, चरक, बायो केयर, और इनमें से मैंने एक भी सप्लीमेंट यूज नहीं करा है। हालांकि मेरे फ्रेंड्स ने एक दो सप्लीमेंट इसके यूज करे हैं जो कि ब्रांड इसने मेंशन करे हैं, बट वो ज्यादा अच्छे उनको असर नहीं आया है। व्हाट आई रिकमेंड पर्सनली इज वेलबींग न्यूट्रिशन का विटामिन सी प्लस जिंक, जिसमें आपको 16 टैबलेट देखने को मिलती है और अच्छा खासा काम करता है, 1000 mg की पोटेंसी के साथ आता है प्रोडक्ट। और यहीं पे एक्सपीरियंस भी काम आता है, मुझसे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस कर रखी है। सो आई वुड रिकमेंड माय ऑडियंस कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। वेयर एज अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हर एक चीज पूछेंगे तो इट समटाइम्स मिसलीड यू एंड फोर्स यू टुवर्ड्स रॉन्ग ब्रांड। अगला क्वेश्चन मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर हेयर फॉल, वो कौन सा सप्लीमेंट है जो कि हम ले सकते हैं फॉर हेयर फॉल। तो इसने मुझे फटाफट से बताया बायोटिन, विटामिन D3, ओमेगा एंड इसी के साथ ही आयरन, जिंक एंड कोलेजन, ये सारे के सारे सप्लीमेंट। बहुत सही बताया इसने, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोटिन एक विटामिन B7 का सप्लीमेंट है जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं एंड इसी के साथ ही ये वाटर सॉल्युबल रहता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रहता, आपकी बॉडी यूरिन के थ्रू से फ्लश आउट कर देती है। बेसिकली कह सकते हैं कि जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है उतना ही रखती है, बाकी का फालतू का निकाल देती है। अब देखा ये जाता है कि बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है और इसी की वजह से आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। जनरली मैंने ये देखा है कि 99% लोगों में जो हेयर फॉल का रूट कॉज होता है वो कुछ और होता है, मे बी उनका लाइफस्टाइल, कोई जेनेटिक फैक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी। बायोटिन हो सकता है कि हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत लो रहती है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि मुझे बायोटिन की डेफिशिएंसी है? ब्लड टेस्ट के थ्रू। आपका डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको यू नो पर्टिकुलर हेयर फॉल हो रहा है तो एक ब्लड टेस्ट कराता है, वो उसमें देखता है कि विटामिन कौन सा कम है और उसी के हिसाब से आपको सप्लीमेंटेशन देता है। और लेट्स से अगर आप आते हैं कि बायोटिन में डेफिसिट है आप, तो ऑब्वियसली आपको एक हेयर फॉल में रिडक्शन देखने को मिलता है। और यही वजह है कि बायोटिन सप्लीमेंट कुछ लोगों में काम करते हैं, कुछ में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विटामिन D3, और बहुत से लोग इसमें डेफिसिट पा जाते हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो विटामिन D3 में डेफिशिएंसी है उन्हें, और
उनका जो हेयर फॉल है हो सकता है इस पर्टिकुलर विटामिन की वजह से हो रहा हो, वो ध्यान ही नहीं देते। हर कोई लोग ये कहते हैं बायोटिन की वजह से हो रहा है, बायोटिन की वजह से हो रहा है। अबे विटामिन D3 की वजह से भी हो सकता है, उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि यू टेक इनफ विटामिन D3। नेक्स्ट, ऐसे दो मिनरल है जो अक्सर फीमेल्स में डेफिशिएंसी पाई जाती है, उनकी वजह से फीमेल्स को खासकर बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। बिकॉज जब वो पीरियड्स में होती है तो उनके पीरियड ब्लड में आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये दो ऐसे मिनरल हैं दोस्तों जो निकल जाते हैं, और उनके कारण आयरन की कमी हो जाती है और फॉलिक एसिड की उनकी बॉडी में कमी हो जाती है। आयरन क्या करता है, आपकी हीमोग्लोबिन की जो लेवल्स हैं उसे मेंटेन करके रखता है, और फॉलिक एसिड आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है। इसी की वजह से अक्सर देखा गया है जिनका फॉलिक एसिड और जिंक कम होता है तो एनीमिया का भी शिकार हो जाते हैं। और जब आपके हेयर के पपायला तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हाउ वुड यू सपोज कि आपके लस्ट्रस बाल होंगे, मेरी तरह खुद ही बताओ, है ना। सो इफ यू आर समवन हु हैव जिंक एंड आयरन की डेफिशिएंसी, वेदर यू आर मेल और फीमेल, डू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। आजकल मार्केट में जिंक, आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये तीन का कॉम्बिनेशन आता है, अच्छा काम करता है। अगली चीज मैंने से पूछी कि गिव मी द लिस्ट ऑफ बेस्ट बायोटिन एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट, एंड इसने उठा के वही चेप दिया जो उसने हमें ऊपर की तरफ चेपा था, वो सारे के सारे ब्रांड्स लाइक पतंजलि, बैद्यनाथ, जंडू एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो मुद्दा क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का, मुद्दा ये है इस वीडियो को बनाने का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन always be useful but sometimes it can be also mislead you towards wrong things and towards wrong supplementation and towards wrong brands. Artificial intelligence can give you the knowledge but it cannot give you the experience जो कि मुझे है या फिर किसी और supplementation वाले गाय को होगा। Alright, with that being said, I hope कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। If you find this video helpful, do hit the like button and if you have any query, do let me know in the comment section, मैं उसका जवाब दे दूंगा। I'll see you next time guys. Till then, I'm chatting with my new love, which is called ChatGPT. Bye-bye, guys.